निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह लाखों का दान करने वाला दानवीर व्यक्ति था। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? तो राजवंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। वलवन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? उसने पुराने किलों की मरम्मत कराई, नए किले बनवाए, सैनिकों अधिकारियों की नियुक्ति की और शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था की। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। टंका एवं जीतल का संबंध इल्तुतमिश से है। प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया थी। सिजदा और पायबोस बलवन के समय की व्यवस्था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। प्रांत एकता का प्रधान अधिकारी एकतादार कहलाता था। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया।